हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस ग्रेट प्लेटफॉर्म। तो आज मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक करवाऊंगी एग्ज़ाम के प्रस्पेक्टिव से इस 2 मिनट की सीरीज़ में। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है, देखिए, जो हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक है, या हम कहें कि एपेक्स बैंक है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिलीज़ किया है डॉक्यूमेंट जिसका नाम है द नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, जिसको हम बोलेंगे NSFE। तो ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट हो जाती है फुल फॉर्म, और इसको तैयार किया गया है 5 ईयर्स के लिए, मीन्स 2020 to 2025 तक। ये सेकेंड एडिशन है, इससे पहले फर्स्ट एडिशन भी आ चुका है 2013 to 2018 तक का, जो भी 5 ईयर्स का पहले भी रिलीज किया गया था। तो इसका मेन मोटिव क्या है, क्यों जरूरत पड़ी आरबीआई को कि इस तरह से जो नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन है उसको रिलीज करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर जरूरत पड़ी है फाइनेंशियल लिटरेसी की, क्योंकि बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, लोग इस तरह के फ्रॉड का, एक तरह से उनको फ्रॉड का पार्ट बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि उनकी गाड़ी कमाई जो होती है वो इस तरह से वेस्ट जो जा रही है, वो इस तरह से जो विक्टिम जो बन रहे हैं, इस तरह से प्रॉब्लम्स ना आए। क्योंकि पहले शुरू की गई थी जैसे कंप्यूटर लिटरेसी, कंप्यूटर का जो साक्षरता था, उसी तरह से आज के टाइम में शुरू किया जा रहा है फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय एक तरह से यहाँ पर साक्षरता प्रदान की जा रही है। काफ़ी सारी उनको बताई जा रही है कि लोन्स लेने हैं तो कहाँ से लिए जाएंगे, और भी बहुत ज़्यादा जो फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो कैशलेस ट्रांजैक्शंस की हो, और भी मैनी मोर जो फैसिलिटीज है उससे जोड़ा जा रहा है। तो ये काम करेगा 5C पे। 5C मैं आपको अभी बताती हूँ, उससे पहले एक पॉइंट हम और ऐड करेंगे। आरबीआई ने ये डॉक्यूमेंट रिलीज किया है, इसके साथ साथ कई सारी यहाँ पर जो फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है इस डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए। अगर मैं बात करूं सेबी, जो कि स्टॉक मार्केट को एक्सचेंज करता है, उसे इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा इरडा, इरडा जो होता है इंश्योरेंस रेगुलेटर डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर को एक तरह से रेगुलेट करता है, और भी बहुत सारे यहाँ पे रेगुलेटर्स लिए गए हैं, और उनकी हेल्प से आरबीआई ने ये रिलीज किया है। अब हम बात करते हैं 5C पे। तो ये 5C क्या है? सबसे पहले आता है C, दैट इज द करिकुलम। करिकुलम का मतलब होता है पाठ्यक्रम, कि फाइनेंशियल एजुकेशन को शुरू से ही स्टूडेंट्स के पाठ्यक्रम का एक हिस्सा बनाया जाए, उनको नॉलेज प्रोवाइड की जाए। और इसके अलावा स्कूल्स कॉलेजेस से ही जब उनको एजुकेशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाएंगे, वो जागरूक हो जाएंगे। सेकंड आता है कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब होता है यहाँ पे एक तरह से जैसे हमें क्षमता जो है वो बढ़ानी है। जो हमारे फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज हैं, लाइक बैंक्स हैं या और भी जो इससे कनेक्टेड हैं, उनको हमें और ज़्यादा कैपेबल बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट जो सी है वो आता है कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय। अब हमें इस इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करना है कम्युनिटी में। कम्युनिटी मतलब समुदाय। देखिए, चाहे वो गांवों में जाके है या पंचायतों में जाके है, और उसके बाद क्या होगा, जब वहां तक इफेक्टिवली नॉलेज जाएगी, तो वो एक पर्सन जिसने नॉलेज गेन की है कम्युनिटी में, वो बाकी लोगों तक स्प्रेड करेगा उस इंफॉर्मेशन को। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन स्किल्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अपनी बात को रखने के लिए। एक पर्सन ने नॉलेज ली,
वो एन नंबर ऑफ पर्संस तक उस नॉलेज को स्प्रेड करेगा। उसके बाद आता है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन के मतलब हो जाता है कि सबका सहयोग इसमें जरूरी है, चाहे वो जनता का सहयोग हो, चाहे वो जो हमारी इंटरमीडिएटरीज हैं, स्टॉक होल्डर्स हैं, सब लोग जब इसमें एक तरह से पार्टिसिपेशन करेंगे तो ये बहुत इफेक्टिव वे से आगे चलेगा। तो इसी तरह से इस सीरीज को हम समरअप करते हैं। हमने ये देखा कि जो एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया है NSFE, इसकी फुल फॉर्म, ये एक सेकेंड एडिशन है, इससे पहले भी एडिशन आ चुका है और जो वर्क करता है 5C के ऊपर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड रिव्यू द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।